गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट मेल गैमेट, एंथर, फिलामेंट, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एंड फीमेल गैमेट डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरिंजियम और मेगास्पोरोजेनेसिस. कैसे एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ था, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट. ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था. अब हमने इन दोनों को पढ़ने के बाद क्या देखा कि बोथ आर नॉन मोटाइल इन नेचर. दोनों ही मूव नहीं कर सकते, ना मेल गैमेट मूव कर सकता है ना ही फीमेल गैमेट मूव कर सकता है फ्लावर में. ठीक है, तो इनको किसकी हेल्प की ज़रूरत होगी, पोलिनेटिंग एजेंट की. किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए. तभी मेल गैमेट जो है किसके पास आएगा, फीमेल गैमेट के पास, और फर्टिलाइजेशन होगी. ठीक है, तो इस तरह से एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र किया जाता है स्टिग्मा तक. एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, स्टिग्मा तक. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन. क्या कहते हैं, पोलिनेशन. ठीक है, पोलिनेशन कैसे किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज पोलिनेशन. ठीक है, कितने तरह का होता है ये पोलिनेशन, कितने तरह का होता है. पहला है बेटा ओटोगैमी. आपने 8th क्लास तक पढ़ा है सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, वही है ये. ओटो, ओटो का मतलब सेल्फ, गैमी, गैमी का मतलब मैरिज, सेल्फ मैरिज, जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है पोलन ग्रेन. कहाँ से, एंथर से. कहाँ पर, स्टिग्मा तक. किस में, सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर में. ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ओटोगैमी. इसमें दो तरह के फ्लावर देखे जाते हैं, एक चेस्मोगैमस फ्लावर और एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर. बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब है जो हमेशा ओपन रहता है, इस तरह से हमेशा ओपन रहता है. ठीक है, उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है. बट उसमें चांसेस ये होते हैं कि सेल्फ करेगा तो ठीक है, ठीक है, सेल्फ तो करेगा. ठीक है, बाकी अगर कोई पोलिनेटिंग एजेंट आ गया, वाइंड है या कोई एनिमल है, उस पर आके इस तरह से बैठ गया और अपने साथ स्टिकी पोलन ग्रेन ले आया, तो हो सकता है वो क्रॉस भी कर दे. ठीक है, तो चेस्मोगैमस जो हमेशा ओपन रहता है, उसमें सेल्फ के भी चांस होते हैं और क्रॉस के भी चांस होते हैं. बट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, वो ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा क्लोज रहते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते. ठीक है, तो जो हमेशा क्लोज रहते हैं उसमें तो वो अपने ही मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, उसमें कोई भी चांस नहीं है क्रॉस पोलिनेशन के. तो इसमें कैसा पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन. किसी भी हाल में उसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता. जबकि चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है, ओपन है, उसमें सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है. जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्लोज फ्लावर है, इसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन की कोई भी चांस नहीं है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है क्या, कि इस तरह के फ्लावर जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, उनके क्या तो फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये आपको करके दिखाना है. ठीक है, सेकंड टाइप पोलिनेशन की आती है जिटेनोगैमी. ठीक है, जिटेनो प्लस गैमी, यानी कि नेबरिंग मैरिज. ठीक है, नेबरिंग मैरिज का मतलब पड़ोसी के साथ. ठीक, कैसे, ये बेटा फ्लावर तो क्या होगा, सेम होगा. ठीक, सॉरी, प्लांट तो क्या होगा, सेम होगा, पर फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ठीक है, सेम प्लांट यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर. ठीक है, टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर. फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट, पर प्लांट क्या होगा, सेम. इसे क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी, नेबरिंग मैरिज. ठीक है, इसके बाद आता है पोलिनेटिंग एजेंट की, तो इसको भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से या ले जाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट टाइप आती है इसकी, क्रॉस पोलिनेशन सुना था आपने, उसको कहते हैं जिनोगैमी. ठीक है, जिनो का मतलब क्रॉस, गैमी का मतलब मैरिज. ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर
टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जीनोगैमी। तो पोलिनेशन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, ठीक है। जिटेनोगैमी तो किस में आएगा, ओटोगैमी में ही। तो पोलिनेशन दो प्रकार का हो गया, ओटोगैमी और जीनोगैमी। और जिटेनोगैमी भी होता है, पर जिटेनोगैमी किस में आएगा, ओटोगैमी में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये दो हमने पता चल गया, हम पढ़ के आ रहे हैं कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों कैसे हैं नेचर में। नॉन मोटाइल है, अपने आप तो कर नहीं सकते, एक भी मोटाइल नहीं है, ना मेल मोटाइल है ना फीमेल मोटाइल है, ठीक है। तो उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, एजेंट की, ठीक है, पोलिनेटिंग एजेंट की। वो एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक मतलब कि वाइंड वाटर, और बायोटिक मतलब कि एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पोलिनेटिंग एजेंट में, अब अगर एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो या तो विंड हेल्प करेगी या वाटर हेल्प करेगा, ठीक है। अगर विंड हेल्प करेगी तो क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए उस पोलिनेटिंग, जो पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए ताकि विंड जो है उसको कैरी कर सके, उठा सके, तेज हवा के साथ वो उठ सके, ठीक है। नॉन स्टिकी होना चाहिए। अब पोलन ग्रेन ये एंथर ने प्रोड्यूस कर दिया पोलन ग्रेन और वो इसके ही चिपका रह गया, तो वाइंड क्या उसको पिक करेगी, ठीक है। तो नॉन स्टिकी होना चाहिए कि हवा के साथ उठ जाए। वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोज होना चाहिए, इसके अंदर भी घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लार्ज होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह से कि कोन कोब में होता है इस तरह, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेंसेस हैं और इसमें इस तरह से लार्ज और फैदरी करेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ईजिली विंड से पोलिनेशन हो जाता है, ग्रासेस के अंदर हो जाता है, कोन कोप के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये करेक्टर है किसके, विंड से पोलिनेशन की, ठीक है। फिर इसके बाद एबायोटिक फैक्टर में हेल्प कौन करता है पोलिनेशन में, वाटर करता है। और वाटर पोलिनेशन बेटा वो क्या होता है, बहुत रेयर होता है, मोनोकोट में देखा जाता है, या फिर हमने 11th क्लास में पढ़ा था ब्रायोफाइट्स को क्या कहते थे, वहाँ पर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एंड टेरिडोफाइट्स को भी क्यों कहते थे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ब्रायोफाइट को मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक पहुँचने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी, वाटर की, रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम इसे क्या यही कहते थे, ठीक है। इसे वाटर की ज़रूरत होती है पोलिनेशन के लिए, इसीलिए बेटा इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ वाटर होगा उसके आसपास पाए जाएंगे, लैंड पर जो वाटर दूर है तो नहीं पाए जा सकते, क्योंकि इन्हें ज़रूरत किसकी है, वाटर की ज़रूरत है, इसीलिए वाटर रेयर देखा जाता है। फिर भी अगर हम वाटर एक्वाटिक प्लांट्स की भी बात करें तो भी एक्वाटिक प्लांट्स में कुछ एक स्पीसीज ही होती हैं जो वाटर की हेल्प लेती हैं पोलिनेशन के लिए, ठीक है। बाकी वाटर में रहते हुए भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें वाटर पोलिनेशन नहीं देखा जाता। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, वेलिंगशेरिया है, हाइड्रिला है, इनमें देखा जा सकता है। मेराइन वाटर है, जुस्ट्रा है, सी ग्रासेस है, ठीक है, ये पोलिनेट होते हैं वाटर से। अच्छा क्या होना चाहिए पोलिनेशन करने के लिए वाटर से, लाइट होनी चाहिए, वाइंड वाटर करंट के साथ ईजिली बह जाए, कलर की कोई ज़रूरत नहीं है उनको, ना वाइंड वाले को ज़रूरत है ना वाटर वाले को ज़रूरत है, ठीक है। किसी प्रकार के नेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, बट जो वाटर से होते हैं उन पे जो कवरिंग होनी चाहिए म्यूक्लेज की, ताकि वो समर्ज्ड ना हो जाए, ठीक है, डूब ना जाए, म्यूक्लेज की कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग रिबन लाइक होनी चाहिए, रिबन की तरह जो फ्लोट करे वाटर के अंदर ईजिली, ठीक है बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, हम देखते हैं वाटर लिली और वाटर हाइसनेथ। अगर आपको एकदम से ये पूछ लिया जाए कि वाटर लिली और वाटर हाइसनेथ में बेटा कौन सा पोलिनेशन देखा जाता है, किसके कौन सा एजेंट इसमें हेल्प करता है, तो आप क्या कहेंगे, वाटर लगाए इसके आगे, वाटर ही करता होगा, ठीक है। नहीं बेटा, वाटर लिली और वाटर हाइसनेथ में, ठीक है, पोलिनेटिंग एजेंट वाटर नहीं होता है, ठीक है। कौन हेल्प करता है, इंसेक्ट और विंड हेल्प करती है इसके पोलिनेशन में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, नीट के अंदर भी आया है और एग्ज़ाम के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये तो था एबायोटिक फैक्टर का, ठीक है, बट अब आता है किसका, एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे बी को बहुत बार देखा है हमने,
ठीक है, बटरफ्लाई है, बिटल है, वैस्प है, आंट है, मोथ है, बर्ड है, ये भी पोलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इंसेक्ट पोलिनेट करेगा किसी फ्लावर में तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फ्लावर लार्ज होना चाहिए, ठीक है, कलरफुल होना चाहिए ताकि उसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, इंसेक्ट को। नेक्टर होना चाहिए, ठीक है, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, उसमें खुशबू होनी चाहिए, ठीक है। और एनिमल में भी ऐसा ही है, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, और पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए बेटा, स्टिकी, जैसे उसकी स्किन की सरफेस पर चिपक जाए, ठीक है, और फिर वो दूसरी जगह जाए तो वो वहीं उसको रिलीज कर दे। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से पोलिनेटिंग एजेंट हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर सेल्फ पोलिनेशन ही होता रहे, बार 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 वो सेम फ्लावर से ही करता रहे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और पोलन और पिस्टिल के इंटरेक्शन के बाद क्या होगा। ठीक है, ये करेंगे। थैंक यू।